युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने युवाओं को खेल मैदानों की ओर आकर्षित करने के लिए एक पहल की। उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें स्कूली बच्चों को स्टेडियम का विजिट करवाया। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विजिट प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत आज टीटी नगर स्टेडियम में स्कूली बच्चों को विजिट करवाया और उन्हें खेल संसाधनों से अवगत कराया। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि बच्चों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से परिचित करवाना जरूरी है, इससे बच्चों का खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और वो आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में रुचि लेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे। मध्य प्रदेश खेल विभाग के माध्यम से हम दोनों आयाम पर काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारे खिलाड़ी हैं वो उत्कृष्ट खिलाड़ी बने, वो इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें, पर उसके साथ साथ खिलाड़ी भी बने, युवा खेल के प्रति जागरूक हों, स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे खेल मैदान से जुड़ें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हम हमारे सभी जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे रूबरू कराएं, हमारे खिलाड़ियों से मिलवाएं, हमारे कोचेस से मिलवाएं। इसलिए हमने ये नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें हम युवाओं को खेल के मैदान के प्रति आकर्षित करने के लिए और उनको जोड़ने के लिए अलग अलग स्कूल अलग अलग कॉलेजेस के टूर प्रोग्राम हमारे स्टेडियम्स में हमारे जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम युवाओं में खेल के प्रति और आकर्षण पैदा हो इसका प्रयास कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।